हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्या। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द सीक्रेट हिंदी में। तो चलिए जानते हैं पांच खौफनाक और रहस्यमय तस्वीरें जिन्हें शायद कभी समझाया नहीं जा सकता। नंबर एक, यह तस्वीर 1941 में कनाडा में साउथ फोक्स ब्रिज फिर से खुलने के समय ली गई थी। पहली नजर में यह उस समय की किसी अन्य तस्वीर की तरह दिखता है, लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो कुछ सही नहीं है। ऐसा लगता है कि 1940 के दशक की हैट और सूट जैकेट में से एक आदमी आधुनिक कपड़े पहने हुए है। ऐसा लगता है कि वह एक आधुनिक कैमरा पकड़े हुए है, अजीब चश्मा पहने हुए है और एक लोगो खेल रहा है जो कि समय अवधि में बिल्कुल फिट नहीं है। नंबर दो, 1964 में फ्रांसीसी फोटोग्राफर रॉबर्ट सेरिक ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर समुद्र तल पर आराम करने वाले एक विशालकाय सांप जैसे प्राणी की एक तस्वीर देखी और ली। जबकि कुछ ने यह विचार दिया है कि यह एक विशाल टाप है, इस विचित्र तस्वीर के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण कभी नहीं मिला है। नंबर तीन, 1940 के दशक से नॉर्वे की हिस्डेलन घाटी में एक अजीबोगरीब प्रकाश घटना देखी गई है। तमाशा में अज्ञात मूल की सफेद या पीली रोशनी का एक रूप होता है जो जमीनी स्तर पर खड़ा या तैरता है। 1981 से 1984 के बीच रोशनी प्रति सप्ताह देखी गई, लेकिन तब से आवृत्ति में भारी कमी आई है, केवल प्रति वर्ष लगभग 10 से 20 बार दिखाई दे रही है। चल रहे शोध और कई परिकल्पनाओं के बावजूद अभी तक एक ठोस व्याख्या नहीं हुई है। नंबर चार, 2000 में एक स्कंक ऐप की दो तस्वीरें एक अज्ञात महिला द्वारा ली गईं और शेरिफ विभाग फ्लोरिडा के सरसोटा काउंटी को भेज दी गईं। तस्वीरों के साथ महिला का एक पत्र भी था जिसमें उसने अपने पिछवाड़े में एक वानर की तस्वीर लेने का दावा किया था। लोग दावा करते हैं कि यह एक काला भालू है, लेकिन यह समानता साझा नहीं करता है। नंबर पांच, अधिकांश परिवार की इच्छा के अनुसार कूपर टेक्सास में अपने नए घर में चले गए और एक साथ बैठे परिवार की एक तस्वीर लेना चाहते थे। हालांकि जैसे ही फोटो लिया गया, एक शव छत से गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आगे की जांच में कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं आया है, कई अटकलें हैं कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये था पांच अनसुलझे तस्वीर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देरी किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही रोमांचक रहस्यमयी वीडियो हम लाते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं इसकी पार्ट दो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।